नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज अशोक चौधरी जो कि बिहार के मंत्री हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है राजद की तरफ से कि वो गाली दे रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर अशोक चौधरी ने अपना जवाब दिया है, प्रतिक्रिया दी है, उन्हें बताया है, सफाई देते हुए कहा है कि यह राजद की तरफ से ओछी हरकत की गई है, वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने गाली दी है। और उनका लंबा सा एक चिट्ठी आया है, गरीब का न्याय करेंगे, शोषित का पर्याय, हमने दलितों की आवाज उठाई। तो आपने किया क्या 15 वर्ष तक शोषित दलितों के लिए किया क्या? तो आपने सुना, यह वीडियो काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है और साथ ही साथ विपक्ष के तमाम नेता इस वीडियो को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को लेकर नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया था। इसके बाद अब अशोक चौधरी ने सफाई दी है कि आखिर इस वीडियो की हकीकत क्या है। आप सुनिए अशोक चौधरी क्या कहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तो है नॉमी फेल, इसीलिए उनको बहुत जानकारी तो है नहीं, और उन्होंने तो अपने पिता से ही ये सब सीखा है, विरासत में यही मिला है उनको, गाली गलौज यही मिला है, और शोषित दलित भी इनको अब गाली नजर आ रहा है, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? सभी प्रदेश के शोषित दलित इनको गाली नजर आता है, तो इस पे क्या कहा जा सकता? वीडियो क्या लग रहा है, एडिट किया गया? पूरी तरह से वीडियो को एडिट किया गया है और एडिट करके उसको पेश किया जा रहा है। तो आपने सुना, अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये सब ओछी हरकत है राजद की, तो गलत तरीके से वीडियो को एडिट करके ये वायरल किया जा रहा है। उन्होंने किसी भी तरीके से गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया था, तो देखने वाली बात होगी कि अब इस पर राजद क्या कुछ कहती है। आने वाले वक्त में जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे बड़े हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।